सर, अमरनाथ में फंसे तीर्थ यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। रेजिडेंट कमिश्नर का नंबर जारी किया गया जो कि है 999-9990-6999। ये नंबर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सदन का हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो है 0114615600। एक बार फिर से बता दूं, 0114615600। तीर्थयात्री और उनके परिजन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं, जानकारी यहां पर हासिल कर सकते हैं, बता सकते हैं कुछ अगर जानकारी देनी है तो। ये दो नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं, तो आप इस पर कॉल कीजिए और अपने परिजनों के बारे में आप जान सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार भी शोर कदम उठाई है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी कदम उठाया। इसके अलावा श्राइन बोर्ड ने भी नंबर यहां पर जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर। तो अपनों के लिए जो लोग चिंतित हैं, इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से खबर पर जुड़ गए। आशीष, यहां पर हेल्पलाइन नंबर से किस तरीके से सहायता ली जा सकती है और कैसे ये काम कर रहा है इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात जब आई कि अमरनाथ में जिस तरीके से तबाही लगभग मचने की स्थिति बनी और बड़े पैमाने पर तीर्थयात्री जो राज्य के हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो एक कम्युनिकेशन गैप यहां पर देखने को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री ने ये एक व्यवस्था की है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ सदन में जो कि दिल्ली में है, एक टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर जिसे कहना चाहिए, जारी किया है ताकि तीर्थयात्री उनके परिजन इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपने जो लोग हैं, अपने परिजन हैं, उनसे सतत संपर्क स्थापित कर सकें और साथ ही अपडेट कर सकें लिस्ट जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए उस नंबर के जरिए। तो ये कोशिश की गई है, क्योंकि हालांकि अभी तक कोई ऐसी कैजुअलिटी छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों के संदर्भ में नहीं आई है, लेकिन बावजूद उसके 40 से ज्यादा जो यात्री हैं वो लापता चूंकि देश भर में है, तो ऐसे में कयास इस बात को लेकर है कि कहीं इनमें छत्तीसगढ़ का कोई तीर्थयात्री तो नहीं है। तो एक ब्रिज के लिए ये नंबर देने की कोशिश की गई है ताकि दिल्ली में जो टीम डिप्लॉयड की गई है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, वो परिजनों से बातचीत करें और एक ब्रिज का काम कर सकें। बिल्कुल। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कॉल्स आनी क्या शुरू हो गई और उनको क्या मदद अब मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि परिजन यहाँ पर होंगे, परेशान होंगे अपनों के लिए जो अमरनाथ यात्रा में गए हुए थे। देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग के जरिए भी टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर को सर्कुलेट किया गया है और कोशिश इस बात को लेकर की गई है कि रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए किया था उन तक ये नंबर पहुंच जाए। तो जाहिर सी बात है कि टोल फ्री नंबर या और हेल्पलाइन नंबर जारी होने के बाद से फोन कॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में पूरा कंट्रोल यूनिट तैयार किया गया है, तो सारे कॉल सीधे दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में अपनी तरीके की क्वेरी लोगों के जरिए की जा रही है। लोग अपने परिजनों के बारे में जानना चाहते हैं, जिसकी जानकारी लेने की कोशिश हेल्पलाइन नंबर के जरिए जो अधिकारी हैं, खासतौर पर रेजिडेंट कमिश्नर जो दिल्ली में है, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उनके जरिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड में जो रजिस्ट्रेशन जिन लोगों के किए गए हैं उनसे पूछताछ कर परिजनों को ये जानकारी देने की कोशिश रेजिडेंट कमिश्नर के जरिए की जा रही है इस वक्त। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सदन का हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, टीवी स्क्रीन पर वो नंबर चल रहा है, इस पर कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए। तो तीर्थयात्रियों के लिए ये नंबर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया, हेल्पलाइन नंबर टीवी स्क्रीन पर है, वो नंबर भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये नंबर यहाँ पर काम कर रहा है, लोगों की कॉल्स इस पर आ रही हैं, पूरी जानकारी उनको दी जा रही है। 999-7060-000 ये रेजिडेंट कमिश्नर का नंबर है। इसके अलावा 0114615600 ये छत्तीसगढ़ सदन का हेल्पलाइन नंबर है।